सीएम योगी ने अखिलेश यादव के सांड वाले सवाल का दिया जवाब। शिवपाल जी के साथ अन्याय हुआ है, जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने पहले आवारा पशुओं और टमाटर की महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा, फिर जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे नेता विरोधी दल के भाषण को सुनकर यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जनादेश हमें यूं ही नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, वो खेतीबाड़ी का पोर्ट होता है। आपके जमाने में ये बूचड़ खाने के हवाले होते थे, हमारे समय में ऐसा नहीं है। कुछ लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाते हैं, वह गरीब और किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे। चार बार जनता ने जनादेश हम लोगों को ऐसे नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि नेता विरोधी दल को जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं है, कुछ लोग अपने कालखंड को नहीं देखते हैं। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि सोना चांदी से प्यार करने वाले लोग अन्नदाता किसान की समस्या क्या समझेंगे। परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे जा रहा है, शिवपाल जी ने सत्ता का पापड़ बेला है, शिवपाल जी के साथ अन्याय हुआ है, शिवपाल जी की कीमत को ये लोग नहीं समझते हैं। बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नेता सदन के कार्यकाल में काम करने वाले एक कर्मचारी की गाड़ी एक जानवर से टकराने से जान चली गई, अगर उनके लिए सुरक्षा नहीं है तो आम जनता के लिए क्या सुरक्षा है। हर दूसरे दिन हम सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं कि गली में सांड ने एक महिला, बच्चे या बुजुर्ग को उठाकर फेंक दिया। क्या यही एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना है। आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो, किसने रोका है आपको। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।